जैन बच्चों, इस समय आप लोग महामना इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं और इस चैनल में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 10th मैथमेटिक्स हिंदी मीडियम NCERT बुक के चैप्टर 5 अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस AP यानी समांतर श्रेणियों की प्रश्नावली 5.3 के क्वेश्चन नंबर 2 को देखने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 को आप अपनी बुक में देखें, दिया हुआ है, नीचे दिए हुए योगफलों को ज्ञात कीजिए। योगफल ज्ञात करना है यानी समांतर श्रेणी दी गई है, इस समांतर श्रेणी का योगफल ज्ञात करना है। देखें, ये पहला पद है A=7। अब इसके बाद हम लोग सर्वांतर निकालेंगे, तो सर्वांतर निकालने के लिए दूसरे पद में से पहले पद को घटाएंगे। तो चलिए सर्वांतर D की वैल्यू निकालते हैं। ये देखिए, 2 × 20 हो जाएगा और 21 बटा में 2 हो जाएगा। ये हो गया 21/2 और ऋण हो जाएगा 7। फिर इसको सॉल्व कर दीजिए तो 7 × 14 और 21 में से 14 जाएगा तो 7 हो जाएगा। ये हो गया 7/2। और फिर देखें, ये अंतिम पद है। हमने आपको बताया था कि अगर कोई भी समांतर श्रेणी हो तो उस समांतर श्रेणी का जो जन्मा पद होता है वो अंतिम पद के बराबर होता है। तो अंतिम पद ये जो लास्ट में दिया हुआ है, यह अंतिम पद जो है जन्मे पद के बराबर होगा, यानी AN की जो वैल्यू होगी वो 84 होगी। तो हमने आपको किसी भी समांतर श्रेणी के n पदों के योग के लिए फार्मूला हमने बताया था, SN=n/2 और फिर ये हो जाएगा आपका A+AN, यानी पहला पद और अंतिम पद आपको ज्ञात हो। लेकिन प्रश्न ये उठता है कि यहाँ पर हमको n का मान तो ज्ञात ही नहीं है, तो सबसे पहले हम लोग n का मान ज्ञात करेंगे। तो nवा पद के लिए फार्मूला आपको होता है कि AN=A+N-1×D होता है। तो देखें, AN की वैल्यू आपको 84 दिया हुआ है और A की जो वैल्यू है 7 और N-1, D की जो वैल्यू है वो 7/2 है। अब देखिए, इस 7 को हम इधर लाते हैं तो फिर देखिए क्या हो जाएगा। ये है 84-7 हो जाएगा, ये आपका N-1×7/2। अब हम लोग 84 में से 7 को माइनस करें तो ये जो है 77 हो जाएगा और ये N-1×7/2। अब देखिए, 7/2 को हम लोग अपोजिट साइड में ले जाते हैं तो ये हो जाएगा 77 और जब 7/2 को बराबर के दूसरे तरफ ले जाएंगे तो 2 ऊपर चला जाएगा और 7 नीचे आ जाएगा। ये हो गया आपका N-1। फिर देखें, 7 से भाग देंगे तो ये हो जाएगा 11 और 11 × 22 हो जाएगा, ये हो जाएगा N-1। अब -1 जब इधर के तरफ आएगा तो ये हो गया 22 × 1 = n, यानी n बराबर हो गया 23। देखिए, किसी भी फार्मूले को यूज करने के लिए हम लोगों को n का मान मालूम होना चाहिए और n का मान हम लोगों को मालूम नहीं था। अब इसको हम सॉल्व करें तो देखिए, A की वैल्यू हमको मालूम हो गई, D का मान हमको मालूम ही है, AN का भी मान हमको मालूम है और n का मान मालूम है। सबका मान हम रखते हैं, रख करके सॉल्व करते हैं। तो अब n के जगह पर 23 हो जाएगा, ये हो गया 23/2 A+AN। A जो है 7 है और AN की जो वैल्यू है वो 84 है। फिर इसको आप सॉल्व करें
तो ये हो जाएगा 23/2, और फिर ये इसको आप जोड़ लेंगे तो ये हो जाएगा 91। अब जो है 23 में 91 का गुणा कर दीजिए और फिर इसको सही तरीके से लिख दिया जाए। तो इस प्रकार जो है अगर 23 का हम 91 में मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा 2093/2। अब 2093 में 2 से भाग दे, चूँकि प्रश्न में यह सही बटा में दिया हुआ था, इसलिए हम लोगों को आंसर भी सही बटा में ही लिखना उचित होगा। तो 2 से भाग दे दिए तो 1046 बार भाग गया, और फिर ये हो गया आपका शेष 1 आया था, तो 1046 सही 1/2। तो इस प्रकार ये जो क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट था, क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट सॉल्व होता है। अब इसके बाद हम लोग इसका सेकंड पार्ट देखते हैं कि सेकंड पार्ट कैसे सॉल्व होगा, देखा जाए इसके सेकंड पार्ट को। तो सेकंड पार्ट में जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसको हम देख रहे हैं। सेकंड पार्ट में दिया हुआ है 34 + 32 + 30 + 10। तो अब चलिए, अब इसके पदों का योग ज्ञात करना है। तो यहाँ पर देखें, जो पहला पद होगा वो 34 होगा, जो पहले है वो पहला पद होगा। अब इसके बाद हम सार्वंतर निकालेंगे, तो सार्वंतर निकालने के लिए दूसरे पद में से पहले पद को घटाएंगे, ये हो जाएगा 32 ऋण 34। तो 32 में से 34 घटेगा, ऋण 2 हो जाएगा, और सबसे लास्ट वाला जो पद होता है वो अंतिम पद होता है। अंतिम पद जो है 90 पद के बराबर होता है, an की वैल्यू हो गई 10। तो अब जो है यहाँ पर हम लोग सबसे पहले पदों की संख्या, सबसे पहले n की वैल्यू हम ज्ञात करेंगे। तो n की वैल्यू हम ज्ञात करेंगे तो फिर देखें, फार्मूला वही होगा, an इजकल टू a + n - 1 × d। हम इसको सॉल्व करते हैं तो an के जगह पर है 10, a की वैल्यू है 34, अब प्लस हो जाएगा n - 1, और d की वैल्यू है -2। अब 34 को हम अपोजिट साइड में ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 10 - 34 = n - 1 × -2। तो अब जो है 10 - 34 करेंगे तो ये -24 हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका n - 1 × -2। फिर देखें क्या होगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, और ये हो गया आपका 24 = n - 1 × 2। 2 को हम अपोजिट साइड में ले जाते हैं तो ये हो जाएगा 24/2 = n - 1। अब 2 से इसको डिवाइड कर दीजिए तो ये हो जाएगा 12 = n - 1। माइनस 1 को दूसरे तरफ ले जाएंगे तो n = हो जाएगा 12 + 1, यानी 13 हो जाएगा। तो यहाँ पर पदों की जो संख्या निकली है, पदों की संख्या 13 निकली है, और आपसे योग पूछा जा रहा है। तो फार्मूला आपको पता ही है, SN = n/2 a + an का हम लोग प्रयोग करेंगे। तो देखें, n के जगह पे 13 हो जाएगा तो S13 = 13/2 a + an, a की वैल्यू है 34, और प्लस an की जो वैल्यू है वो 10 है। फिर देखिए क्या मिल जाएगा आपको, S13 = 13/2, और 34 और 10 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 44, और फिर 2 से इसको कटा दीजिए तो ये हो जाएगा आपका 22। तो S13 = 13 × 22। अब हम 13 में 22 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो ये जो है, जब 13 में 22 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 286 होगा। यानी इस प्रकार जो है क्वेश्चन नंबर 2 का
ये सेकेंड पार्ट साल्व होता है, अब हम लोग थर्ड पार्ट देखते हैं। चलिए अब इसका थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट में दिया हुआ है -5 + -8 + -11 + +230 दिया हुआ है। तो चलिए यहाँ पर भी जो फर्स्ट टर्म होगा वो -5 होगा। अब इसके बाद हम लोग सार्वंतर निकालेंगे, दूसरे पद में से पहले पद को घटाएंगे, तो ये है -8 - -5। तो फिर क्या हो जाएगा, ये हो गया -8 + 5। तो 5 में से 8 माइनस करेंगे तो ये -3 हो जाएगा। और इसके बाद जो अंतिम पद होगा वह an होगा और अंतिम पद आपका -230 होगा। अब हम लोग यहाँ पर सबसे पहले देखें कि पदों की संख्या कितनी है, पदों की संख्या हम लोग निकालें। तो चलिए देखते हैं। अब यहाँ पर आपको पता है फार्मूला, an = a + n - 1 × d। रखते हैं वैल्यू और देखते हैं क्या मिलता है। ये है -230 = a - 5 + n - 1 और d की जो वैल्यू है वो है -3। अब -5 को हम अपोजिट साइड में लाते हैं तो ये है -230 + 5 = n - 1 × -3। अब 5 - 230 हो जाएगा, तो 5 - 230 यानी ये हो जाएगा -225। और फिर ये हो जाएगा आपका n - 1 × 3। तो फिर यहाँ भी माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। और फिर देखते हैं 3 को इधर ला दीजिए तो ये हो जाएगा 225/3 बराबर n - 1 हो जाएगा। अब 3 से भाग दे दीजिए तो 3 × 7 = 21 हो जाएगा और फिर 3 × 5 = 15 हो जाएगा। 3 से ये कट गया तो ये हो गया 75 = n - 1। -1 अपोजिट साइड में आएगा तो ये हो जाएगा 75 + 1 = n, यानी n = हो जाएगा 76। तो n का जो मान है वो 76 हो गया। अब n पदों का योग हमको निकालना है, फार्मूला आपको मालूम है n/2, और ये हो जाएगा a + an। रखते हैं यहाँ पर वैल्यू तो n के जगह पे 76 हो जाएगा, ये हो गया 76/2। a के जगह पे -5 है और an के जगह पे -230 है। फिर चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो s 76 = 2 से डिवाइड कर दीजिए तो ये हो जाएगा आपका 2 × 3 = 6 हो जाएगा और 2 × 8 = 16 हो जाएगा, ये 38 हो गया। और फिर यहाँ पर -5 - 230 ये हो जाएगा -235। अब जो है 38 का -235 में मल्टीप्लाई करेंगे और फिर मल्टीप्लाई करके देखते हैं ये वैल्यू कितनी आती है। तो ये जो है जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो -8000 यानी 8930 हो जाएगा। तो इस प्रकार ये 76 पदों का योग हो गया। और फिर ये जो question number 2 है, ये question number 2 सॉल्व होता है। अब question number 3 में 10 क्वेश्चन होंगे, तो इसको जो नेक्स्ट वीडियो बनेगा, नेक्स्ट वीडियो में question number 3 को देखा जाएगा। वैसे हमें उम्मीद है कि आज ये जो तीनों पार्ट question number 2 के जो तीनों पार्ट बताए गए हैं, ये तीनों पार्ट आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब करने के लिए यूट्यूब पर महामना इंस्टीट्यूट को सर्च कीजिए और फिर रेड कलर के सब्सक्राइब वाले बटन को क्लिक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत समझ में आती है
तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बतावें, वीडियो को मैक्सिमम स्टूडेंट तक शेयर करें ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट इस वीडियो का बेनिफिट ले सकें, और बेल आइकन को भी प्रेस करें तथा उसको ऑल पे कर दें ताकि प्रतिदिन पढ़ने वाले वीडियो की सूचना आपको मिलती रहे। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।